हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे राउरकेला का पानपोस्ट में जो बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम ओपन हो चुका है, तो आज उसके बारे में मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ। या गाइस, आज के ब्लॉग में बने रही है। तो गाइस, मैं ना इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये जो स्टेडियम है बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम का एंट्रेंस, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। सो गाइस, जैसे आप लोग अंदर आओगे आप लोगों के बहुत ही प्यारा सा लाइक प्लेस दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन कलर का बिल्डिंग है इसके अंदर आप लोगों को टेनिस बॉल के लिए भी प्लेस मिल जाएगा एंड ऊपर जिम भी है। एंड ये जस्ट इनका जो पार्किंग एरिया है, जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे आप गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका लोकेशन अगर बताऊँगी तो ये जस्ट हॉकी चौक एंड पानपोस्ट चौक के बीच में जो स्पेस था, जो एरिया था, वहाँ पर स्टेडियम बनाया गया है एंड ये ऑलरेडी ओपन है। एंड अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है गेम वगैरह खेलने के लिए, आपको यहाँ का मेम्बरशिप लेना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक अपडेट है अभी मेम्बरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है। उसका मेम्बरशिप के लिए 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। एंड जो भी गेम्स आइटम है, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, और जो भी इंडोर्स गेम्स रहते हैं जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए अलग अलग प्राइजेस है। किसी के लिए 800 है, किसी के लिए 700 है। वो आपको मंथली पे करके आप अपना यहाँ पे गेम खेल सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम में ना ऑलरेडी AC भी लगाया गया है। आप लोग बस अपना रैकेट और कॉर्क या फिर जो भी शटल वगैरह रहता है लाके खुद से अपना खेल सकते हो। बाकी आप लोगों को जो ग्राउंड है, जो एरिया है, कोर्ट है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आप लोगों को इसका क्या ही तारीफ करूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये जस्ट उसका एंट्रेंस है, अंदर जा सकते हैं। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड लोग खेल रहे थे तो मैं थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड भी कर ली। वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मुझे तो इनफैक्ट खुद खेलना भी नहीं आता है। तो गाइस, मैं सोची कि चलो आप लोगों के लिए क्यों ना मैं एक मैच ही रिकॉर्ड कर लूँ, दैट कि आप लोग देख के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। एंड जनरली मुझे इतना गेम्स के बारे में आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। मैं मतलब लाइक बचपन में स्कूल में खेलती थी थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह, बट ऑनेस्टली ना ही अभी टाइम है ना ही इतना ज़्यादा मन करता है। बट यार, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग गेम्स के लिए उनका बहुत ज़्यादा मन रहता है। एंड थैंक्स टू राउरकेला कि हमारे राउरकेला में इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम, इनफैक्ट 3 स्टेडियम अभी बन चुके हैं। स्पेशली इंडोर्स के लिए कोई भी सुविधा नहीं था, जो कि अभी इजिली हो चुका है। एंड ये आप जो ये ग्राउंड देख रहे हो ना, ये जो एरिया देख रहे हो, ये फुल्ली AC है। तो आप लोग अंदर बहुत ही आराम से अपना गेम्स खेल सकते हो। और ये लाइक पूरा टोटली, मतलब ये इंटरनेशनल तो नहीं है बट उस लेवल का बनाया गया है, दैट के हमारे राउरकेला में अगर कुछ ओकेजन हो, कुछ अच्छा फंक्शन हो, दैट तो यहाँ पे मैच वगैरह हो पाए। और अगर आप लोगों को ज्वाइन भी करना है तो कैसे क्या परमिशन लेके ज्वाइन करना रहता है वो थोड़ा आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद उनको ज्वाइन करने का मन होगा। तो अभी मेंबरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं अभी से नहीं, बहुत दिन हो गया इसको ओपन हुए। मैं एक्चुअली उसी रास्ते से पानपोस से ही घर से जाना आना करती बस से, तो मैं कब से देख रही थी कि यहाँ पे कुछ बन रहा है एंड इसका जो आउटर का जो पार्ट है ना, वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कभी आप लोगों को टाइम मिले ना तो एक बार जाइएगा ज़रूर। एंड अभी हमारा राउरकेला बहुत ही प्यारा रिनोवेट हो चुका है, जैसे कि मैं पिछले वाले वीडियो में भी बोली थी, बहुत ही सुंदर डेकोरेट हो चुका है जस्ट बिकॉज हमारे राउरकेला में हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है। हर जगह न्यू स्टैचू, हर जगह प्रॉपर लाइटिंग, हर जगह वॉल पेंटिंग्स। और हमारे राउरकेला का जो प्रॉपर जो आप क्या बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं ना, रिंग रोड का जो प्रॉपरली चौक सब है ना, वहाँ पे जो सब स्टैचू थे, जो भी चौक का जो डिज़ाइन था, वो सब भी प्रॉपरली रेनोवेट हो चुका है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग डेफिनेटली कभी ना कभी टाइम निकालो, टाइम निकाल करके जाके घूम के आओ, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा राउरकेला और पुराना राउरकेला जैसा नहीं रहा। एंड डेफिनेटली अफकोर्स प्राउड टू बी अ राउरकेलियन। हमारा राउरकेला का फास्ट फूड, हमारा राउरकेला के गेम्स के लिए, हनुमान वाटिका के लिए, वेद व्यास के लिए हमारा राउरकेला ऑलरेडी फेमस था। एंड सबसे बड़ी बात एंड प्राउड की बात अभी हमारे राउरकेला के साथ जुड़ने वाला है, वो तो आप लोगों को सबको पता ही होगा January 13 को क्या है। सो फाइनली हमारे राउरकेला में हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो डेफिनेटली आप लोग भी प्रिपेयर होंगे, राउरकेला पूरा गियर अप एंड चीयर अप हो चुका है, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है, इसीलिए इतना तेज़ी से काम चल रहा। होपफुली ऐसे ही वर्ल्ड कप के बाद भी राउरकेला का जो ग्रीनरी है एंड जो स्मार्ट सिटी है, जो क्लीन सिटी है, जो भी सब काम किया जा रहा है प्रॉपरली मेंटेन है, एंड उसको मेंटेन करना एक्चुअली हमारी ड्यूटी है। बस एयरपोर्ट से लेके बस स्टॉप, बस स्टॉप से लेके रेलवे स्टेशन, हर एक प्लेस, हर एक वॉल, हर एक चौक राउरकेला का पूरा रिंग रोड प्रॉपरली लाइटनिंग, प्रॉपरली वॉल पेंटिंग हो रखा है। मैं तो आप लोगों को हर काइंडली रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल से आप लोग टाइम निकालो एंड आके एक बार राउरकेला में घूम के जाओ,
तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। एंड पिछले वाले ब्लॉग में तो मैं आप लोगों को एयरपोर्ट का अपडेट दी थी, जब वो प्रॉपरली बन के एक बार तैयार हो जाएगा मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी। और ये तो इंडोर स्टेडियम का आप लोगों को डिटेल में शेयर कर दी मैं ब्लॉग, एंड स्पोर्ट्स भी कुछ थोड़ा सा दिखा दी मैं, से जितना पॉसिबल होता है मैं हर बार आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ, प्रॉपरली अपडेट देती हूँ। ये तो वैसे प्रॉपरली बन चुका है, फुल्ली ओपन है, इसका और कुछ न्यू अपडेट होगा नहीं। और बाकी जो तो स्टेडियम बन रहा है उसका भी ब्लॉग जल्दी ही आएगा, मैं कोशिश करूँगी डिटेल में शेयर करने के लिए कि कितना क्या काम हुआ है आप लोगों को साथ, मतलब डिटेल शेयर करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल आप लोग मैच देखिए, एंड अगेन अगर मैं लोकेशन आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग पानपोस्ट से आएंगे तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, एंड हॉकी चौक के जस्ट पास में ही है। एंड इनफैक्ट हॉकी चौक के बाहर भी बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट हो चुका है, तो लड़का लड़की के स्टैचू बनाए गए हैं और वहाँ पे आई लव हॉकी भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊँगी। एंड इनफैक्ट स्टेडियम का नाइट व्यू भी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड मुझे जो स्टेडियम का सबसे अच्छा चीज़ लगा ना, यहाँ पे हैंडीकैप लोग के लिए भी इजीली बनाया गया है कि दैट कि कोई अंदर जाना आना कर पे हो, जिस बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसका जो बाहर का जो स्पेशली जो इंटीरियर है, जो ब्राउन कलर का बनाया गया है, जो सिल्वर कलर का जो सारे गेम्स का जो स्टैचू लगाया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। तो फिलहाल अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए गेम इंजॉय करो, फिर मैं आप लोग से जल्दी मिलती हूँ। बस एग्जैक्टली मैं इसी के बारे में बोल रही थी, ये रहा हमारा हॉकी चौक जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रॉपरली रिनोवेट हो रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे भी देख लो स्टैचू लगाया गया है, एंड छोटे छोटे प्लांट्स और बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज, और चौक को पूरा प्रॉपरली रिनोवेट किया जा रहा है। तो ये रहा पूरा बाहर का व्यूज़। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो इंडोर स्टेडियम का कुछ नाइट व्यू, तो ये थोड़ा आप लोग इन्जॉय कर लो, व्यूज़ कितना ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और मतलब एक दिन का एक लुक और नाइट का एक लुक दोनों ही अलग है, लाइक दिन में जितना सुंदर दिख रहा है नाइट को भी उतना ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। गाइज ये था डिटेल अबाउट बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम का ब्लॉग। तो चले गए आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद है मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।